वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एज यू नो फ्रॉम अ टाइटल कि आज का जो वीडियो है वो अमेजोन शॉपिंग हॉल है। बहुत समय से मैंने अमेजोन शॉपिंग हॉल नहीं किया था, सो मैंने बहुत डिफरेंट आइटम्स मंगवाए हैं, बट मेकअप से रिलेटेड ही मंगवाए हैं। सो वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बात करने की कंडीशन में भी नहीं हूँ अभी, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी अभी तबीयत नहीं सही है। सो स्टार्ट करते हैं, और एज़ यूजल जितने भी लिंक्स होंगे प्रोडक्ट्स के, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप जाके देख सकते हैं। प्लस जो मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है, वो आपको एज एक रील में कुछ दिन में, एक दो दिन में आएगी, तो उससे आप पता चल जाएगा आपको मैंने कैसे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इसको यूज़ किया है, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा ये क्यूट सा स्पॉन्ज बॉक्स, और बॉक्स भी नहीं, इसके अंदर काफ़ी स्पॉन्ज भी मुझे मिले थे। सो दिस इज़ अ पैक ऑफ 1, 2, 3, 4 बड़े स्पॉन्ज हैं, मतलब काफ़ी अच्छे स्पॉन्ज हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, और मुझे लगता है 3 छोटे हैं। सो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी ना, सभी एग्जैक्ट प्राइजेस आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी। ये छोटे से सी ना कितने क्यूट से लग रहे हैं, एंड इसको पूरे फेस पे तो ब्लेंड नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे इनर में अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। सो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी, बट काफ़ी अच्छे हैं, उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो इस ऐसे बॉक्स में रिसीव होते हैं, और प्लस इसके साथ ये क्यूट से मैं, आप इसको आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, सेफली आप इसको रख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। सो ये दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। देन सेकेंड मैंने मंगवाया था एक LED लाइट, जो कि ये बॉक्स खाली, मैंने लाइट्स को यूज़ कर लिया। सो ये इस पैकेजिंग में कुछ आया था, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कैसी लाइट्स है, बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अच्छी क्वालिटी थी इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। प्लस आपको अगर कोई डेकोरेशन करना हो और कुछ पॉपअप के लिए चाहिए ना, दैट इज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डिफरेंट कलर्स है उसके अंदर। सो मैं उसको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, कोई अच्छी LED लाइट्स देख रहा है तो। और मैंने एक्चुअली अपने बैकग्राउंड के लिए उसको यूज़ करा है। सो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्राइस मैं स्क्रीन पर एज एज मेंशन कर दूंगी, एक भी LED ख़राब नहीं थी, और उसका मैंने 4 मीटर की लेंथ थी उसकी। सो आई थिंक मैं नेक्स्ट भी उसको फिर से परचेज़ करूँगी, क्योंकि उतना मेरे लिए सफिशेंट नहीं है। सो ये दे मेरा सेकेंड परचेज था। देन मेरे पास है ये क्यूट सा, उप्स इसके अंदर तो खाली है, बट ये क्यूट सा मेकअप ब्रशेस का बॉक्स, जिसके अंदर मेकअप ब्रशेस ये रहे मेकअप। सो ये है मार्श के मेकअप ब्रशेस, टूल्स ऑफ टाइटन्स मेकअप ब्रशेस सेट है। सो इसमें आपको फाउंडेशन ब्रश, आई शेडो पेंसिल ब्रश, आई शेडो पैक ब्रश मिल जाएंगे, एंड हाईलाइटिंग ब्रश मिल जाएंगे। सो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है इसके जो इसके निडल्स हैं, बहुत ही क्यूट है इसके, एंड लिटरली बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, एंड देन मैंने इसको परचेज़ किया, मैं कोई अच्छे ही मेकअप ब्रशेस देख रही थी। सो इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्लासी है, सी दिस, कितना क्यूट लग रहा है ना, पैकेजिंग इसकी बहुत क्लासी है, बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो ये मैं नेक्स्ट परचेज था, और ये इतने सारे ब्रशेज हैं इसके अंदर ये। सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज था, कोई अगर अच्छा ब्रशेज में देख रहा है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज था। देन इसके बाद मैंने मंगवाया था ये क्यूट सी परफ्यूम, रेने की परफ्यूम है, और बहुत ज़्यादा क्यूट इसकी पैकेजिंग थी, एंड अंदर से तो बहुत ज़्यादा छोटी सी क्यूट सी है। सो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, और जितनी ये क्यूट दिखने में है ना, उसकी स्मेल उतनी ही डिवाइन है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल इसकी, वाह व्हाट अ परफ्यूम। मैंने सुना था सिर्फ रेने की परफ्यूम्स बहुत अच्छी हैं, बट लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई, मैं इसके सारे फ्रेग्रेंस ट्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी है लिटरली। अगर कोई अच्छी परफ्यूम देख रहा है, बजटरी परफ्यूम देख रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय दिस। बस के ढक्कन के साथ मेरे साथ इशू है कि मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ क्या, बट बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट है, एंड बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत समय तक आपके बॉडी पे स्मेल करेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है।
सो ये कुछ ऐसे में है। देन मैंने मंगवाया था, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है क्लीनिंग पैड्स, क्लींजिंग पैड सॉरी, ये रीयूजेबल मेकअप रिमूवर। सो ये कुछ इस तरह के में मुझे पैक ऑफ टू मिला, एंड लिटरली मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड मतलब ये हम लोग इतने सारे मेकअप वाइप्स यूज़ करते हैं और वो यू मतलब वेस्ट ही जाते हैं, तो इसमें लिखा भी है रिप्लेस अप टू 300 मेकअप वाइप्स, 300 मेकअप वाइप्स वो रिमूव करेगा, मतलब हम लोग के बचाएगा। सो बहुत सॉफ्ट है, मैं इसको यूज़ करूँगी और डेफिनेटली आपको बताऊँगी कैसा है। और काफ़ी सॉफ्ट भी है और पैक ऑफ टू मुझे मिला, और पैकेजिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो एक ब्लैक है एंड एक पिंक है। सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज था। देन मैंने इसके बाद मंगवाया है ये मस्कारा, ये है मेरा मेबलिन का मस्कारा। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, मैंने इसकी पैकेजिंग ओपन कर दी है। सो ये इस तरीके की पैकेजिंग में कुछ है ऐसे में, एंड इसकी जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये यूज़ किया प्रोडक्ट मिल गया है। सो मैं इसको रिटर्न डेफिनेटली करूँगी, बट काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा है, और मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है मस्कारा है, और आपकी लैशेस को भी बहुत अच्छा दिखाता है और काफ़ी लंबी लैशेस दिखाता है। देखिए अभी भी मैंने मस्कारा लगा के रखा हुआ है, बट काफ़ी लंबी लैशेस लगा दिखाता है। प्लस ये वाटर प्रूफ मस्कारा है, स्मच नहीं होता है बिल्कुल भी, जो इसके ब्रिसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बड़े अच्छे हैं, सॉफ्ट से हैं। एंड सो दैट्स, हाँ सो दैट्स इट। और सो जितने प्राइजेस है मैं सबके स्क्रीन पे एज यूजल मेंशन कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और नीचे जो रेड कलर का बेल बटन दिया ना उसको प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, एंड सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और उसके पीछे का बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। सो बाय गाइज, लव यू ऑल।